सोलन शहर में भी डेंगू अपनी दस्तक दे चुका है। इसका खुलासा तब हुआ जब सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में डेंगू से ग्रस्त 10 मामले पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि डेंगू की शुरुआत सोलन में परमाणु से हुई है, फिर धीरे धीरे इसने जबली और नालागढ़ बद्दी में अपने पांव पसारने आरंभ किए और अब ये जानलेवा बीमारी सोलन शहर तक पहुंच चुकी है। अगर डेंगू मच्छर लगातार अपने पांव पसार रहा है तो इससे ये साफ होता है कि लापरवाह स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए हैं। अगर विभाग समय रहते अलर्ट होता तो इसे परमाणु में ही नियंत्रित किया जा सकता था, इसे जिला सोलन में फैलने से बचाया जा सकता था। अधिक जानकारी देते हुए चिकित्सक राजकुमार ने बताया कि सोलन में डेंगू के 10 मरीज सामने आए हैं जिनका इलाज सोलन अस्पताल में किया गया, जिनमें से 8 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, वहीं 2 पीड़ित अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने सोलन की जनता को हिदायत दी है कि वे अपने घरों में पानी को खड़ा ना होने दें क्योंकि खड़े पानी में डेंगू मच्छर पनपता है। उन्होंने डेंगू फैलने का सबसे बड़ा कारण लगातार हो रही बरसात को बताया, जिसकी वजह से पानी जगह जगह एकत्रित हो रहा है और इस कारण डेंगू भी पनप रहा है। आपको बता दें कि सोलन में भी डेंगू दस्तक दे चुका है लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद द्वारा अभी तक ना तो फॉगिंग की जा रही है और ना ही कोई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और ये भी दोनों विभाग परमाणु की तरह लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। डेंगू मामले कल से लेके आज तक 10 केस हमारे पास आ चुके हैं, उसमें से हमने 8 लोगों को ट्रीटमेंट करके और उनके सिम्टम इम्प्रूव हो चुके हैं तो उन्हें हमने घर भेज दिया है और दवाई पे डाल दिया है। और सोलन में पहले ये कम होता था पर अब ऐसा लगता है कि लोकल में भी ये ज़्यादा हो रहा है। जो ये डेंगू के केस आ रहे हैं इस बार ये पिछले वर्ष के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। कारण ये है कि इस बार बरसात ज़्यादा हुई है और पानी भी इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी आम पब्लिक से, लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि मच्छर दिन के टाइम काटता है, दिन के टाइम आपको अच्छी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी।